जहाँ बना जहाँ बना सलामत रहे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप भी तशरीफ रखिए, अपना ही कमरा समझिए। जी जी शुक्रिया। जहाँ बना आपने तकलीफ क्यों की, हमें याद कर लिया होता आपने। अरे मुल्ला जी क्या है कि रानी साहिबा हमसे थोड़ी सी नाराज है, थोड़ी सी खफा है, तो हमने आपका वहां पर आना मुनासिब नहीं समझा। क्या है कि रानी साहिबा जब गुस्से में होती है तो कुछ भी उठाकर फेंक सकती है, फिर हमें बचाने के चक्कर में आप हमारे आगे आ जाते, फिर आपको लग जाती तो हमें अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया आपने इस नाचीज के बारे में इतना सोचा। चलिए आप कह रहे थे कि कुछ मोहर लगानी है, शाही मोहर, किस चीज पे लगानी है बताइए। जहां पना कल आपकी शादी की सालगिरह पर आपने जो प्रजा पर से 6 महीने का कर माफ करने का सोचा है, ये उसका फरमान। तो मोहर लगा देते, रखिए। हाँ ये इस पर आपकी मोहर दरकार है। हाँ ये लीजिए। चलिए मुल्ला अब आपको तो पता ही है कि कल हमारी शादी की सालगिरह है, इस अवसर पर हम रानी साहिबा को 10 लाख मोहरों के जेवर देना चाहते हैं। इन जेवरों को खरीदने का इंतजाम कीजिए, रानी साहिबा को मनाने का यही एक तरीका है। गुस्ताखी मोहर जहां पना, लेकिन इतने मुबारक मौके पर भी रानी साहिबा आपसे नाराज है। अब क्या बताएं? जहां पना की जय हो, जहां पना गजब हो गया। आपने जो अपने 25 साल पुराना शादी का जोड़ा राजा दरबान को दान किया था, वो राजा दरबान उसकी नीलामी करवा रहा है। क्या? कल सुबह राज्य के बड़े बड़े लोग इस नीलामी में भाग लेने के लिए महल में आ रहे हैं। रानी साहिबा को भी इस नीलामी के बारे में पता चल गया और वो और नाराज हो गई हैं। और नाराज हो गई हैं। मुल्ला 10 लाख मोहरों की जगह 20 लाख मोहरों के जेवर खरीदने का इंतजाम कीजिए। जी जहां पना का हुक्म सलाखों पर, लेकिन गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। जहां पना आपके शादी का जोड़ा और ये नीलामी। अरे मुल्ला ये शादी का जोड़ा ही तो मसला है। हुआ ये, बीरबल, बीरबल परसों हमारी 25वीं सालगिरह है। रानी साहिबा आप सिर्फ 25 साल की हैं? अरे शादी की 25वीं सालगिरह है बीरबल, हर चीज 25 होनी चाहिए। 25 तरह की रोशनी, 25 तरह के फूल, 25 तरह के पक्षी। परसों रात जश्न में सारे पक्षी जब एक साथ बोलेंगे तो कितना मजा आएगा, चार चांद लग जाएंगे। रानी साहिबा सारे पक्षी रात में कैसे बोलेंगे? रात में तो सिर्फ उल्लू बोलते हैं। अच्छा उल्लू, तो 25 उल्लू मंगवा लीजिए। वाह वाह बीरबल, आप एक काम कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, ये उल्लू आप रानी साहिबा के मैके से मंगवा लीजिए, वहां बहुत सारे उल्लू हैं। नहीं नहीं हम बड़े खुश हुए रानी साहिबा ये देख करके, हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के लिए आप क्या कमाल की सजावट करवा रही हैं। वाह ये तो कुछ भी नहीं है जहां पना, हमारे मैके में लोग जो सजावट करते थे, वाह 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 वाह। खैर ये सब जाने दीजिए, आप ना परसों आप वो ही पोशाक पहनेंगे जो 25 साल पहले आपने अपने शादी के दिन पहना था। क्या रानी साहिबा आप चाहती हैं हम 25 साल पुरानी पोशाक पहन के अपनी शादी की सालगिरह पर खड़े हो जाएं? इतनी पुरानी पोशाक? रानी साहिबा आप कमाल कर रही हैं, इतने बड़े बड़े मेहमान जो आएंगे वो क्या सोचेंगे, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के पास और कोई पोशाक नहीं है, 25 साल पुरानी पोशाक पहनकर खड़ा है। या तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर गरीब है या फिर हिंदुस्तान गरीब है। बस हम भी वही शादी का जोड़ा पहनेंगे तो आप क्यों नहीं पहन सकते, हमारे भी कोई जज्बात है। आप उस दिन वही पोशाक पहनेंगे। नहीं पहनेंगे हम 25 साल पुरानी पोशाक नहीं पहनेंगे। आप कुछ कीजिए, इसका कुछ कीजिए, कोई रास्ता निकालिए। अब हम क्या कर सकते हैं जापना, ये आपके और रानी साहिबा का निजी मामला है। ये निजी हो गया, ये कमरा भी निजी है हमारा। तो हम आप जाइए, हम खुद कुछ सोच लेंगे। हम क्या सोच नहीं सकते, खुद की बुद्धि खुद का दिमाग है हमारे पास, हम सोच लेंगे। निजी।
हम खुद एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि रानी साहिबा चाहकर भी हमें ये पोशाक पहनने पर मजबूर नहीं कर पाएंगी। फिर इस शादी के जोड़े से अपना पीछा छुड़ाने के लिए हमने सोचा कि इस शादी के जोड़े को दान कर देते, क्योंकि रानी साहिबा को पता है एक बार हम किसी चीज को दान में दे देते तो उसे फिर वापस नहीं लेते। जैसे कि समझ लीजिए ये कोई चीज है जिसे हमने आपको दान दिया, बस अब हम इसे वापस नहीं लेंगे। जे लीजिए हमारी शादी का जोड़ा। अरे बस बस बस, गंदा मत कीजिए इसे, ये आज से आपका। तो ये माजरा है, लेकिन जापाना बड़ी बदनामी हो जाएगी। नीलामी में जो लोग आ रहे हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि आपका शाही खजाना खाली हो गया, इसलिए राजा दरबान के द्वारा आप अपना 25 साल पुराना शादी का जोड़ा नीलाम करवा रहे हैं। लेकिन ये राजा दरबान ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रानी साहिबा राजा दरबान से भी नाराज है, गुस्सा है उनसे कि उन्होंने आपसे दान क्यों लिया। तो उस शादी के जोड़े से पीछा छुड़ाने के लिए वो ये नीलामी करवा रहे हैं, ताकि पीछा भी छूट जाए और वो कुछ कमाई भी कर ले। अब कुछ भी हो बीरबल, लेकिन अपने शादी के जोड़े को हम इस तरह नीलाम नहीं होने देंगे। जापाना इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए हमारे राज्य के बड़े बड़े लोग कोने कोने से हमारे महल के लिए निकल चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, इस बदनामी को बस यूं ही सहन कर ले? इस बदनामी से बचने का एक रास्ता है जापाना। जैसे कि आपने खुद कहा कि एक बार दान की हुई चीज आप वापस नहीं लेते, लेकिन खरीद तो सकते हैं। होली में हिस्सा लेकर अपने ही लिबास को एक बार फिर खरीदना होगा। गुस्ताखी मुआफ जापाना, लेकिन बीरबल जी के तरीके में एक कमी तो है। जापाना, नीलामी में अगर कोई शख्स आपसे भी ज्यादा बोली लगा ले तो जाहिर है कि आपको अपने लिबास को फिर से खरीदने के लिए उस शख्स से भी ज्यादा बोली लगानी होगी, जिससे आपकी इज्जत तो बच जाएगी लेकिन हुजूर शाही खजाना हिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अपने 25 साल पुराने शादी के जोड़े के लिए हम बड़ी कीमत नहीं देने वाले। तो हमारे पास एक तरकीब है जहां बना, हम बताइए। जाहिर है नीलामी में लोग आएंगे तो उनमें हम अपने एक शख्स को भेज देंगे जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। जाहिर है जब सारे नीलामी के लोग उस नीलामी से हार कर वापस चले जाएंगे तो हमारा ही आदमी उसी नीलामी से अपने आप को अलग कर लेगा, और तब आप अपने शाही दरबान को कुछ मामले रकम देकर अपना लिबास वापस खरीद सकते हैं, क्योंकि दान की हुई चीज वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन जैसे कि बीरबल जी ने कहा, दान की हुई चीज खरीदी तो जा सकती है। बात तो आपकी सही है मुल्ला, लेकिन नीलामी के कायदे के हिसाब से जो भी बोली लगाता है उसे पूरी की पूरी रकम चुकानी तो चाहिए, वरना ये सारे के सारे लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। नीलामी की रकम का असली हकदार तो आपका शाही दरबान ही है, और नीलामी से अगर हमारा ही आदमी अपने आप को अलग कर लेगा तब आपको आपके दरबान को सिर्फ छोटी सी रकम देनी होगी और आप अपने लिबास को वापस पा सकते हैं, और इसमें कोई धोखा नहीं है जापाना। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप भरोसा रख सकते हैं। दरीचे शक। ठीक है, अब कल देखते हैं नीलामी में क्या होता है। आप हमें शादी का जोड़ा पहनाकर रानी साहिबा और जापाना की शादी की सालगिरह के साथ साथ आपकी और हमारी भी शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी और हमारी शादी नहीं हुई है अब तक। पहले हम जापाना के शादी के जोड़े को लेकर परेशान हैं, ऊपर से आपकी परेशानी। छोड़िए, कल हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह है। आप लड़कियों को क्या क्या याद रहता है? अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहेगा, हमारे लिए ये सालगिरह शादी की सालगिरह से भी बढ़कर है।
इससे हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्यार इस शादी के जोड़े में कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा उर्वशी जी, क्योंकि शाही खून है हम, और हम आपको जरूर दिखाएंगे कि आपका प्यार मतलब हम इस फौलादी जोड़े में कैसे लगेंगे। मुझे बता सलीम भाई साहब, मैं इस शादी के जोड़े को पहनकर बहुत ही सुंदर लगूंगा, क्योंकि उर्वशी जी खास ये शादी का जोड़ा सिर्फ मेरे लिए लेकर आई है ना। वासु, शाही खून है हम, शादी का जोड़ा छोड़। भाई सलीम भाई साहब, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़? मैं नहीं छोड़ूंगा। सलीम भाई साहब, मैं वासु, वासु। खुश तो बहुत होंगे आज आप। आपसे बात कर रहे हैं, कल आपका मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का शादी का जोड़ा नीलाम होने जा रहा है। उठिए ना, तालियां बजाइए, नाचिए। ठीक है रानी साहब, अगर आपको यही चाहिए तो ये लीजिए, हम उठ गए, ये हमने तालियां बजाई, ये अब नाचे, बस अब आप खुश हैं, अब हम सो सकते हैं, अब आप हमें सोने दीजिए, वरना वरना हम सो जाएंगे। बताइए हमारा लाया हुआ शादी का जोड़ा कहाँ है? उर्वशी जी, शाही खून है हम, तभी तो हम इस वासु का गला दबाकर पूछ रहे हैं कि इसने वो फौलादी शेरवानी कहाँ छुपा के रखी है। छोड़िए, हम अभी जाके रानी साहिबा से आप दोनों की शिकायत करते हैं। रानी साहिबा, अच्छा वहाँ आप यहाँ आ गई, देखिए ना शहजादे सलीम और वासु। हाँ ठीक है ठीक है, छोड़िए आप हमें इस वक्त छोड़िए। नहीं नहीं रानी साहबा, हमारा मतलब है कि ठीक है कहना छोड़िए और इन दोनों को डांटिए। हाँ हाँ, हम अभी डांट के आते हैं। अरे रानी साहबा, आप वहां कहाँ जा रही है दोनों को डांटने के लिए? ये दोनों तो यहाँ, अब हमें बीरबल को ही मजबूर करना पड़ेगा इन दोनों से हमारा वो शादी का जोड़ा निकलवाने में। राजा दरबानी, क्या किया आपने? जहां बना की शादी का जोड़ा उस लालची मारवाड़ी सेठ को बेचने से पहले एक बार तो पूछ लेते। राजा बीरबल, हमें आपकी योजना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और हम पर हर कोई नीलामी की पोशाक की वजह से भड़का हुआ था, इसलिए हमने वो पोशाक अपने एक मित्र को दे दी, और हमारे मित्र ने उस लालची मारवाड़ी सेठ को दे दी। हमें क्या पता था राजा बीरबल की वो मारवाड़ी सेठ दरबार में आकर के पोशाक की नीलामी करेगा। अब क्या होगा मुल्ला जी? आपकी योजना के अनुसार आपका आदमी राजा दरबान की हुई नीलामी में बोली लगाकर बिना रकम दिए पीछे हटने वाला था, लेकिन अब तो वो जोड़ा लालची मारवाड़ी सेठ के पास है, और वो आपके आदमी को बोली लगाकर बिना रकम दिए पीछे हटने देगा नहीं, और ना ही जहां पना को कम रकम में उनकी शादी का जोड़ा बेचेगा। नीलामी में सभी लोग आ चुके हैं, फिलहाल हमें अपने मंसूबों के हिसाब से ही चलना होगा जनाब बीरबल जी। और रही बात उस मारवाड़ी की, तो आप बेफिक्र रहिए, हम उसे संभाल लेंगे। वासुदेव जी, शहजादे सलीम, उर्वशी ने लाया हुआ शादी का जोड़ा कौन पहनेगा? वासुदेव जी कह रहे हैं कि वो शादी का जोड़ा इनके नाम का है, शहजादे सलीम कह रहे हैं कि वो शादी का जोड़ा इनके नाम का है। अब पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से किसके नाप का है? वही तो बीरबल जी, आप कुछ सोचिए ना। सोच लिया, सोच लिया। ऐसा कीजिए कि आप दोनों वो शादी का जोड़ा हमें लाकर दे दीजिए, हम उसे पहनकर ये अंदाजा लगा लेंगे कि आप दोनों से किसके करीबी नाप का वो जोड़ा है, उसके बाद जिसके भी नाप का होगा उसे दे देंगे। वाह बीरबल जी वाह,
हम अभी वो अचकन लाकर आपको देते हैं, क्योंकि शाही खून है हम। बीरबल जी, मुझे पता है, मैं भी वो शेरवानी अभी आपको लाकर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास है दिमाग। उर्वशी जी, अब हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमें दरबार में जाने दीजिए, वहाँ बड़ा ही संगीन मामला चल रहा है। छोड़िए। क्या छोड़े? हमारा वक्त जाया करना छोड़िए और जाके अपना काम कीजिए। बड़े बड़े राजा महाराजा से थे के सोच रिया हो? अरे बादशाह अकबर चावे से खुद वांगे कपड़ों की नीलामी से घबराने की जरूरत ना से। बोली लगाओ, लगाओ बोली। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं। अरे बोलो और बोलो। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 1 करोड़ बोलो। 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 2 करोड़। 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 10 करोड़। 10 करोड़ सोने की मुद्राएं। 50 करोड़। 50 करोड़। 80 करोड़ ले लो जी। 80 करोड़। अरे लक्ष्मी माता, माने रोकड़ा भाता, बोलो बधाओ बधाओ भा। लक्ष्मी माता, रोकड़ा मने भाता। हुजूर, यो इब आखरी बोली से तो यो लिबास 80 करोड़ सोने की मुद्राओं में इनको हो जावेगो। 80 करोड़ मोहरे? अरे नहीं नहीं, हमने तो 80 करोड़ दुआओं की बात की थी। अरे लक्ष्मी माता, रोकड़ा मने भाता, ये दुआओं की बोली लगा रहे से? और क्या, 80 करोड़ से ज्यादा तो दुआएं दे ही नहीं सकते ना। 80 करोड़ तो देवी देवता है, उनके नाम की एक एक दुआ दे दी हमने बस। लक्ष्मी माता, रोकड़ा मने भाता, हुजूर यो तो धोखो से। गुस्ताखी की मुआफ जहां पर ना, ये कोई धोखा नहीं है, उन्होंने तो 20 से 80 करोड़ तक की बोली लगा ली। अब बोली के आगे सोने की मोहर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो सामने वाला जो चाहे समझ ले, इनकी गलती कहां है। ये बात भी सही है मुल्ला जी, गलती तो नहीं है इनकी, बात तो सही कह रहे हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। देखिए देखिए सेठ जी, अब यहाँ पर कोई बोली लगाने वाला है नहीं, अब जहाँ पर जो भी बोली लगाएंगे उसी रकम में आपको शादी का जोड़ा देना होगा। हाँ हाँ ठीक से, जहाँ पर बोली लगाओ। तो हम अपनी तरफ से अपने इस शादी के जोड़े के लिए बोली लगाते हैं 12 सोने की मोहरें। अरे लक्ष्मी माता, रोकड़ा मने भाता, यू क्या है? और 12 सोने की मोहरों के साथ ये शादी का जोड़ा होता है 5 करोड़ सोने की मोहरे। कौन है? क्यों कौन आ गया? हम हैं राजा हुतुतुतु। लगाइए हुजूर, बोली लगाइए पान थूक के। अच्छा है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है हम। हम 6 करोड़ की बोली लगाते हैं। 7 करोड़। 8 करोड़ सोने की मोहरे। हम अपना ये महल, हमारा ये तख्त, पूरी रियासत, हमारी जूतियां, हमारे घोड़े, हमारी फौज, हमारा भांडा बर्तन, हम सब दांव पे लगाते हैं। ए, हुजूर रुकिए, हम अपनी हार मानते हैं, ले जाइए आप। अरे लक्ष्मी माता, रोकड़ा मने भाता, यो पूरो हिंदुस्तान और यो थारो तख्त मने मिल गयो। ये लो, ये अब थारा हुआ, इव आपकी हर एक एक चीज मारी हुई। ये हमने क्या कर दिया? पोशाक के लिए हम अपना सब कुछ हार गए, सब दांव पे लगा दिया हमने, सब सब का सब चला गया। देखा जापना आपने,
अगर आपने पहले ही रानी साहिबा के जज्बातों की कदर की होती और ये पोशाक पहन लिया होता तो आज आपको आपका सब कुछ गवाना नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या फायदा बीरबल, अब हम अफसोस के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकते। जाबना, आपने रानी साहिबा के जज्बातों की कदर नहीं की, और जो किसी के जज्बातों की कदर नहीं करता उसे तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। और आपको यही एहसास दिलाने के लिए हमने ये नाटक किया था। ये सब एक नाटक था। जी जाबना, ये सब एक नाटक था। लेकिन जाबना, इस नाटक में हम अकेले नहीं थे। इस नाटक में रानी साहिबा, राजा दरबान, ये मारवाड़ी सेठ, यहां तक कि ये राजा हुतुतु भी हमारे साथ शामिल थे। ये सब क्या हो रहा है? ये नाटक करने की जरूरत क्या थी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको समझाते हैं जाप। जापना, हम और रानी साहिबा पहले से ही आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि किसी के जज्बातों की कदर करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब हमें मुल्ला जी की योजना के बारे में पता चला कि बहुत ही कम दामों में राजा दरबान से आप पोशाक वापस खरीदने वाले, तब रानी साहिबा को चिंता हुई और रानी साहिबा रात में हमसे मिलने। अरे क्या हुआ? और रानी साहब, आप इस वक्त आई आई, और फिर मुल्ला जी के दाव पर हमने अपना दाव खेला। हमारे ही कहने पर राजा दरबार ने वो पोशाक मारवाड़ी सेठ को बेच दी, क्योंकि हम जानते थे कि मुल्ला जी राजा दरबार से तो कम कीमत में पोशाक खरीद सकते हैं, लेकिन मारवाड़ी सेठ से खरीद नहीं पाएंगे। वैसे मुल्ला जी, आपका 80 करोड़ दुआओं वाला खेल तो कमाल था, वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन जैसे ही आपका आदमी बीच में से हटा, हमने अपना राजा हुतुतु वाला खेल खेल दिया। और जापना, बाकी का किस्सा तो आपके सामने है। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। मुल्ला जी, चाल तो आपने भी कमाल की चली थी, लेकिन शतरंज के इस खेल में बीरबल की चालों को मात देना नामुमकिन है। आज आपने हमें सिखा दिया बीरबल, इंसान के जज्बातों की कद्र हमें जरूर करनी चाहिए। और अब रानी साहिबा के जज्बातों की कद्र करते हुए हम उनसे वायदा करते हैं कि आज हमारी इस शादी की सालगिरह के दिन हम अपना ये शादी का जोड़ा जरूर पहनेंगे।